हेलो जी, नमस्ते, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। ये देखिए, आज मैं जा रही हूँ अपने खेत में, अपना खेत आपको दिखाऊंगी, वहीं पे मिलती हूँ आपको। चलिए आज हम आपको खेत में ले जाती हूँ। ये देखिए, हम जा रहे हैं अपने खेत। ये गन्ने के पेड़ हैं, गन्ने का खेत खड़ा है। हम वो झोटे पे इसलिए नहीं जा रहे कि मेरे पापा के पास अभी झोटा नहीं है। सर्दी में गन्ना डलेगा तब झोटा लेंगे। आज हम पैदल ही जा रहे हैं। आपको कैसे लग रही हैं गन्ने की खेत? देखिए कितने बड़े बड़े हो गए। ये देखिए, मुंजी का खेत खड़ा हुआ है। मुंजी यानी कि चावल, आपको भी दिख रहा है। अभी ये पका नहीं, ना ही बड़ा हुआ, अभी अभी लगा है। इसको अभी अभी लगाया है। ये देखिए, बच्चे लगा रहे हैं रेस, दौड़ रही हैं सड़क पर खेत में जाने के लिए। आपको भी दिख रही हैं, इनकी मौसी है। हाँ, वो तो आने का भी टाइम हो रहा, जाने का भी टाइम हो रहा खेत में। हम जा रहे हैं अपने खेत। हमारा खेत बहुत दूर है, 2-3 किलोमीटर दूर है। हम पैदल ही जा रही हैं क्योंकि अभी मेरे पापा के पास झोटा नहीं है, क्योंकि वो सर्दियों में ही लेना पड़ता है गन्ना तोड़ने के लिए। अभी गन्ना नहीं है तो इसे उसे बेच दिया था, फिर सर्दियों में फिर ले लेंगे। चलो चलो, ये देखिए, हम सब इकट्ठे होके जा रही हैं। ये मेरी बड़ी बहन है, ये छोटी बहन है, ये इनके बच्चे भी हैं। ऐसे इंजॉय करते जा रही हैं बच्चे, बच्चों की मौसी। ये मिष्टी या टंडी ले ली है, कोई डॉगी कुत्ता मिलेगा उसको मारने के लिए। इधर से कहाँ था? चलो भाई, चलो जल्दी फिर आना। अभी डर लगा, सुंडी तो डर लगा इन्हें, गिंडोवे से नहीं डर लगता। ये देखिए, ट्यूबवेल भी चली हुई है, रास्ते में ट्यूबवेल मिली है, पानी पी रहे हैं सब, प्यास भी लगी है। बच्चों पानी पी लो, पानी पी लो, फ्री में पानी पी लो, पानी पी लो, पानी ठंडा ठंडा पानी। ये देखिए, मिष्टी भी पी रही है। मिष्टी आ जा बेटा, पानी पी ले, किचड़ हो रहा। ए मिकी, सब दे दे पानी। दियो मुझे, मिकी ले लो। चलिए, अभी हमारा खेत नहीं आया है, हम रास्ते में इंजॉय करते जा रही हैं, कहीं कहीं रुक रुक के पानी पी के। बच्चों को मिली है अम्मी, आम दिखाना मिष्टी, मिक्की, अम्मी देखिए ये आम मिले हैं, रास्ते में पेड़ लग रहा था आम का, बच्चों को आम मिले हैं पक्के पक्के। मैं बहुत टेस्टी लग रही है, अच्छी लग रही है। चलो बस, हमारा भी खेत आने वाला है, आम का पेड़ है हमारे खेत में भी, आपको भी दिखाऊंगी। ये देखिए, आम खाती आ रही हैं दोनों बहनें मेरी, उनके बच्चे, उन्हें भी मिले हैं आम। कैसे चूसती आ रही है आम को। यहाँ भी एक पेड़ था, वो भी गिर गया हवा में हमारे खेत में, हम बहुत जाते थे। ये देखिए, हम बैठ गए हैं बुग्गी झोटे में। पापा की तो नहीं है, हमारे खेत के पास ही खेत है भैया की, उनकी बुग्गी में बैठे हैं। ये देखिए बच्चे, पीछे करो मुंह। हेलो फ्रेंड्स, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये देखो फॉलो कीजिए। हां, टांग ठीक है। ये देखिए, हम पहुंच गए हैं अपने खेत पे, अपने मायके में हूँ जो मैं, अपने मायके में खेत में आई हूँ। अब आ गई हूँ अपने खेत में, मेरे पापा घास काट रहे हैं, बच्चे भी सारे आ गए हैं। और देखिए, आपको दिखाऊं,
ये आम का पेड़ है बहुत बड़ा, और एक आधा और जम गया होगा, दूसरा पेड़ आम खाई देवे। आम का पेड़ बहुत बड़ा है, इस पे अब की बार आम बहुत कम आए हैं, छोटे पेड़ पे है। चलो आपको छोटा पेड़ भी दिखाऊंगी, आम का पेड़ है जी, तो करते का आधा हो लग रहा होगा, तोड़ लिए होंगे पर मां लेना। चलो चलो देख लो इस बार, ओ भाई बहुत मोटे मोटे आम है, ये तो वो सारे आ रहे हैं किसी के, तो हैं ऐसे ही पर माल लग रहा है, वो मोटा मोटा है, केड़ा पक्का है वो, ये माल का है। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए एक पेड़ हमारा इधर है बड़ा, एक ये है छोटा, दिख गया बड़े बड़े आम लगे हुए हैं, ये देखिए कितने बड़े बड़े आम के गुच्छे लगे हुए हैं, देखिए आपको दिखाऊं क्योंकि मैं इसे ज्यादा इसीलिए नहीं हिला रही, इस पे लगा हुआ है माल का छत्ता, वो भी दिखाऊंगी, मुझे दिखा देखिए आपको दिखा रही हूँ, आपको भी दिख रहा है, ये रहा ये रहा दिख रहा है आपको, ये माल का छत्ता लगा हुआ है, मधुमक्खी जिसे मधुमक्खी बोलते हैं उसका शहद भी बनता है, उसका छत्ता अभी छोटा है क्योंकि इसीलिए इस पे से आम नहीं तोड़ रहे। ये गन्ने के खेत है, एक अमरूद का पेड़ ये रहा खेत में ही हमारे, और ये गन्ना बड़ा बड़ा हो गया, ये चेरी जिसे पशु भी खाते हैं अच्छे चाव से, चेरी देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो रही है खेत में, खूब बड़ी बड़ी चेरी हो रही है, खूब घास जम रहा है हरा भरा, और ये रहा अमरूद का पेड़, अमरूद ए वो पक रहा अमरूद, और डहनी नहीं आ सकती नीचे, हाँ देखिए ये अमरूद पका हुआ है, आपको भी दिख रहा है, ये रहा है तो ये रहा, ऊपर को झुकेंगे ये डहनी नीचे को करके जब टूटेगा, चढ़ जाओ मेरा दुपट्टा पकड़, ये बीच में पता नहीं क्या हो रहा, अब बता दे मुझे कहाँ है ये, देखिए मेरी दीदी चढ़ चुकी है अमरूद के पेड़ पे, नीचे आ जाओ, अरे ये देखिए ये केले के पेड़ है, केला भी लग रहा हुआ है, कहाँ है केला अभी नहीं आ रहा, ये केले के पेड़ है हमारे ही खेत में, और ये आम का पेड़ है, एक और है छोटे वाला, एक अमरूद का पेड़ है, अमरूद पक रहे हैं, आम भी आ रही हैं बहुत मोटे मोटे, पर तोड़ नहीं सकते क्योंकि उस पे मधुमक्खी ने छत्ता बना रखा है, ये चेरी है, हरा पशुओं का हरा चारा, यहाँ से वो परे तक का ये हमारा ही खेत है सब कुछ पापा का, इधर से लेके ये गन्ने का खेत है, ये भी बहुत परे सड़े तक का है पीछे तक, चलो चलते हैं ट्वेल पे, मिलते हैं ट्वेल पे ही, चलो ट्वेल पे ही भी शुरू होती है। ये देखिए ये हल्दी के पेड़ है, मम्मी ने बो रखे हैं खेत में हल्दी के पेड़, इससे हल्दी भी निकलेगी इनसे जड़ के अंदर से जब पक जाएंगे, अभी कच्चे पेड़ है ये, इसके नीचे से निकलती है खोद के ऐसे जड़ जड़ से निकलती है, जड़ों में से निकलती है हल्दी, ये देखिए एक पेड़ ये है हमारा खेत में, हमारे खेत में चार पेड़ है आम के, तीन तो छोटे छोटे हैं जैसे कि आपको ये दिख रहा है ये छोटा ही है, एक बहुत बड़ा है, दो पे आम आते हैं, इस पे भी अभी आम नहीं आता, और ये भी गन्ने का खेत, ये अब देखिए आपको दिखाऊंगी हमारा खेत कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके ये सड़क है और वहाँ तक ग्यारह बीघे का खेत है हमारे पापा के, कच्ची सड़क है जिसे चक्रोड भी बोलते हैं, अब चलने की तैयारी हो रही है घर पे।
चलो, मैं किसान की बेटी हूँ, मेरे पापा एक किसान हैं। घरों चलो घरों, चलो अब मिलती हूँ घर पे। हाँ ये देखिए, मैं आ चुकी हूँ घर खेत में से घूम के। ये पेड़ पौधे लगे हैं घर के ऊपर, बेल जा रही है फूल की।